5 न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। उत्तर प्रदेश बिजनौर मंडावर क्षेत्र के रानीपुर ग्राम सभा में ग्रामीण आवारा गाय से परेशान, गाय काफी खेतों को नुकसान कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गाय को पास की गौशाला में पहुंचाया जाए। बिजनौर से हमारे संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट। फर्स्ट न्यूज इंडिया बिजनौर मंडावर से राजीव कुमार, हम आपको बताते हैं रानीपुर ग्राम सभा में आवारा गाय किस तरह घूम रहे हैं। जी सर, नाम क्या है आपका? पवन राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो सर आप? रानीपुर गांव। रानीपुर के रहने वाले हो आप जी। सर, ये जो गाय आवारा घूम रही है, इसके बारे में सर बताएं। इसके बारे में ये है, ये परेशान कर रही, मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते जी। और ये जहाँ तहाँ जो चारे का नुकसान कर रही, मुंजी का नुकसान कर रही जी। जी, मैं शासन से चाहूँगा, प्रशासन से जी जी, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि इसका व्यवस्था की जाए और जो है किसान को जो है इससे छुटकारा दिलवाया जाए, कहीं इसकी व्यवस्था की जाए। ये किसी जो अपनी इधर वो बनी है गौशाला, इसमें भिजवाया जाए। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान किसान के लिए दे रहे हैं, जहाँ तक घूम रही है, और इसको छेड़ा भी नहीं जा सकता, और परेशान है लोग, बाकी किसान बहुत दुखी है इससे। तो इस पर प्रशासन को गौर करना चाहिए और जो किसी गौशाला में भिजवाया जाए इसको पकड़ कर। सर, प्रधान कौन है आपके यहाँ? जयराम सिंह प्रधान जी। जयराम सिंह प्रधान है, रतनपुर पंचायत में पड़ता है, रतनपुर राय के नाम से, रानीपुर उसी में सम्मिलित है जी। ठीक है, किस जगह खड़े हो सर आप? हम खड़े हैं रानीपुर चचा रामानंद जी के चक पर खड़े हैं, यहीं चरी खा रही थी, चारा चुग रही थी, अभी गई है गाय गाँव में घुस गई, और गाँव में पशुओं के साथ लड़ती है और झगड़ती है गाय, ठीक है, हमारा घूम रही है। सर, आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। सर, कहाँ के रहने वाले हो आप? रानीपुर। रानीपुर कौन से ग्राम सभा लगती है आपके यहाँ? रानीपुर रतनपुर ग्राम। सर, प्रधान जी का क्या नाम है सर? जयराम सिंह। जयराम जी, सर ये गाय जो घूम रही है, कितने टाइम से घूम रही है यहाँ पे? ये भी तीन चार दिन से घूम रही है। क्या आप प्रधान जी ने इसके कहीं गौशाला भिजवाने की कोई व्यवस्था की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की। प्रधान जी तो हमने देखे नहीं, तीन साल हो गए हमें देखे। गांव में नहीं आते हैं प्रधान जी? तीन साल हो गए प्रधान जी को देखे हुए। ठीक है जी। सर, आपका क्या नाम है? रजनीश राजपूत। कौन से ग्राम सभा पड़ती है आपके यहाँ? रानीपुर। रानीपुर पड़ती है। प्रधान जी का क्या नाम है सर? जयराम सिंह। ये गाय जो घूम रही है, हमारा गाय जो घूम रही है, इसके बारे में सर बताए कुछ। ये देखो, कई दिन से ऐसी घूम रही है, इसमें कोई वो नहीं होती है व्यवस्था, यहाँ जब ना ही कोई पकड़ के ले आता है, ना कुछ करते हैं। क्या आपके गांव की गाय है? नहीं, ये आवारा गाय हैं, बाहर की छुटी हुई गाय हैं। ऐसे जो बहुत गाय फिर रही हैं जी जी, गाय भी और बछड़े भी बहुत फिर रहे हैं सर, फसल का जो है बहुत नुकसान कर रहे हैं। क्या प्रधान जी को आपने सूचना दी इस बारे में? प्रधान जी को देते हैं, वो कभी आते ही नहीं है गाँव में। ठीक है, फास्ट न्यूज इंडिया बिजनौर मंडावर से राजीव कुमार। भारत सरकार द्वारा सितंबर महीने को पोषण माह से मनाए जाने के तहत न्यारी के शहीद राम सिंह पठानिया कॉलेज में एक ब्लॉक सक्रिय पोषण माह दिवस का आयोजन CDPO संजीव शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में SDM पृथ्वी सिंह, PCS धार कला और DPO सुमनदीप कौर और कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर बलवीर सिंह मनहास उपस्थित हुए। कार्यक्रम में 5 सर्कल की आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर ने भाग लिया और सही पोषण आहार के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर सुमन ने स्टेज की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पंजाब से हमारे संवाददाता मुनीश महाजन की रिपोर्ट। शुरू किया गया इस पोषण माह मना रहे हैं, ताकि जो साड़ियाँ धियां भैन गर्भवती हो रही ने, जिन्होंने बच्चे ने जन्म दिता, वो बच्चे का किमें चंगा पोषण कर सके, उन्हों की खुराक कहोजी होनी चाहिए है, उन्होंने संस्कार कहोजे बन गए ने, जोड़े सारे की योगदान पा सकते हैं, वो CDPO धार कला होर बाकी जो ब्लॉक के इन्होंने ऑफिसर से उन्होंने साझे तौर पर किया, ये बड़ा व्डा योगदान दिता इस कॉलेज का भी रहा है, जिन्होंने इतने स्थान भी दिता, बाकी बच्चों प्रोग्राम कराए हैं। जी विशेष जिक्र को करने वाली गल हैगी है कि जोड़ा पार्ट साडा रह रहा, जिदे बारे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे का संभाल किवें करनी है,
जां बच्चे तंदुरुस्त किवें पैदा हो गए तो वो जी बड़ी नीझ के नाल साडे आंगनवाड़ी वर्करस ने जिहड़ियां जाके घर घर गाइड करदियां ने उन्होंने जेकर कित मैडिकल एड की लोड़ पैंदी है जां क्यों जे कित लोड़ पैंदी है वो सारी चीज़ां उन्होंने दसदियां ने सारियां तो ये बड़ा वधिया साडा जिहड़ा आंगनवाड़ी वर्कर वल्लों जां आशा वर्करस वल्लों जां इस डिपार्टमेंट वल्लों जिहड़ा योगदान पाया जा रिहा जिहदे च इक चंगा समाज है जिहड़ा सिरजण दी उह संभावनावां उजागर हुंदियां ने और उम्मीद भी करदे हैं कि जिड्डा वड्डा वधिया प्रोग्राम दित्ता इहनां ने ईवन बच्चे अनुकूल गिद्धिया का प्रोग्राम किया और जिहड़ियां बोलियां सीगियां वो भी उन्होंने चीज़ों ही निर्धारित कर दी सी कि चंगे बच्चे का जन्म है जोड़ा वो किमें हो सकता कि वह किमें समाज का नरोवा समाज बनाने वास्ते बच्चों की चाहे पढ़ाई दे भी योगदान पाना है उन्होंने किहो जे बच्चे पा सकते हैं चंगे नागरिक बनाने की जी बिरत इन्होंने पाई है बच्चों के जो सहयोग के नाल मैं शलाघा करदा और अज प्रोग्राम सदा वास्ते इस्त्री अते बाल विकास विभाग पंजाब वालों 1 सितंबर तो 30 सितंबर तक पोषण मंथ मनाया जा रहा है जिसके तहत असी अज धारकलां दे विच एक कंकलूडिंग फंक्शन किया है। इस तो पहला असी पूरा महीना आंगनवाड़ी वर्कर्स वालों पिंडां दे विच हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग नाल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग नाल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के सहयोग के नाल पिंडां दे विच रैलियां कीतियां गईयां फार्मर क्लब मीटिंग्स कीतियां गईयां विलेज हैल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन डे मनाए गए। इस तो इलावा पिंडां दे विच रैलीज जागोस जिहड़ियां सीगियां कीती गईयां और डोर टू डोर जिहड़े वर्करस वालों प्रैगनेंट लेडीज़ के छोटे बच्चों के घर जिहड़े सीगे विजिट किए गए बच्चों की ग्रोथ मोनीटरिंग की गई उन्होंने घर घर जाके दसिया गया कि अच्छी डाइट की हैगी की सानू लैना चाहिए अनीमिया तो बचा लई की कुछ सानू वो करना चाहिए किहड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स जिहड़े सानू वो लैने चाहिए ने प्लस बच्चों के भार जिहड़ा हैगा उहदी की इंपोर्टेंस हैगी बच्चे का भार तोलना क्यों जरूरी है किस किस समय पर तोलिया जाना चाहिए और बच्चे का जिहड़ा वेट है उहदी हाइट के अकॉर्डिंग उहदी एज के अकॉर्डिंग जिहड़ा किन्ना होना चाहिए ये जिहड़ा हैगा मैसेज जिहड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट वालों वर्करस वालों जिहड़ा हैगा घर घर जाके दिता गया है और उस दे दिन ही अज असीं जिहड़ा ब्लॉक धारकलां दा इत्थे कंक्लूडिंग फंक्शन जिहड़ा कीता है जिहदे विच आंगनवाड़ी वर्करस ने प्रैगनेंट लेडीज़ ने लैक्टेटिंग मदरस ने पार्टीसपेशन की है जिदे विच असी कॉलेज के प्रिंसीपल साहबान का बहुत शुक्रगुजार हाँ धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जोड़ा सानू इतने मौका दिता हैगा अपने कॉलेज के विच प्रोग्राम करन दा और जोड़ा ये मैसेज हैगा वर्करस वालों अज दिता गया हैगा इतने फंक्शन के जोड़ा घर घर जिहड़ा हैगा वो पहुँचाया जाएगा ता कि जिहड़ा सरकार का बयान हैगा पोषण अभियान जिहदा मेन परपज हैगा कि असी जिहड़ा कुपोषण का देश विचों खात्मा करिए वो कर सकीए बिकॉज सरकार वालों जिहड़ा अभियान सीगा 2 मार्च 2018 दे विच शुरू किया गया सीगा जिहदा मुख्य मंतव्य सीगा कि साडे जिहड़े बच्चे ने उन्होंने कुपोषण को दूर करिए जिहड़ियां साडियां प्रैगनेंट लेडीज़ हैगियां अडल्ट फीमेल्स हैगियां उन्होंने अनीमिया को घट करिए साडे जिहड़े बच्चे हैगे ने कुपोषण के कारण जिहड़े ने हौली हौली जिहड़े असीं बौनेपन वल जा रहे हाँ तो वो जिहड़ी चीज़ हैगी असीं मतलब हाइट जिहड़ी बच्चे नूं साडे दी घटदी जा रही है बिकॉज असीं डाइट जिहड़ी पिछले काफ़ी समय तो जिहड़ी वो ठीक नहीं रह रही है असीं प्रॉपर जो सानूं चाहिए हैगा भोजन के विचों लैणा वो नहीं लै रहे जिस दे कारण उहदा जिहड़ा लोंग टर्म इफेक्ट हैगा साडी जिहड़ी तीसरी चौथी पीढ़ी दे विच जा के हुण नज़र आ रहा है कि जिहड़े बच्चों की हाइट घट रही है और इन्हां चीज़ां नूं असीं दूर किवें करना हैगा कुपोषण नूं किवें दूर करना हैगा अपनी डाइट नूं किवें इंप्रूव करना हैगा उहदे तहत ही जिहड़ा असीं है पोषण अभियान चलाया जा रहा है। पोषण मंथ तो एक सितंबर तो लैके 30 सितंबर तक सीगा बट ये जिहड़ा पोषण अभियान हैगा सरकार दा उपराला हैगा लगातार चलना हैगा और मेरा यही मैसेज है कि असी इनू सिर्फ एक महीने तक सीमित ना करके अपन जिहड़ियां गतिविधियां हैगियां एक्टिविटीज़ हैगियां इन्हां नू लगातार चलाइए ता जो असी जिहड़े सोसाइटी दे नाल जिथे असी जुड़े हुए हाँ बच्चों के नाल प्रैगनेंट लेडीज़ के नाल पिंडां दे विच औरतां दे नाल असी जिहड़ा हैगा उन्हां दे विच उन्हां दी जिहड़ी पौष्टिकता जिहड़ी उहदी डाइट हैगी इंप्रूव कर सकीए तो उन्हां नू दसीए कि इन्हां चीज़ां नू असी किवें इंप्रूव करना अपनी हैल्थ की असी किवें जिहड़ी हैगी केयर करनी हैगी समय समय से असं डॉक्टर जिहड़ा हैल्थ चैकअप उह सानू करवाना चाहिए ता तो जिहड़े साडे बच्चे ने तंदुरुस्त पैदा होण और पहले 6 महीने जिहड़ा हैगा बच्चों नू केवल जन्म तो बाद माँ का दुध ही देना चाहिए होर कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए और जिहड़ी गुड़ती हैगी सानू उहनू ना कह के जिहड़ा माँ का पहला गाढ़ा दुध हैगा अपने बच्चे नू उह पिआउणा चाहिए है और 6 महीने तक केवल माँ का दुध और उस तो बाद जिहड़ी बच्चे की कंप्लीमेंटरी फीड हैगी शुरू करनी चाहिए और
वो जी सू बच्चों का प्रॉपर टीकाकरण करना चाहिए है और नाल ही नाल दो साल तक बच्चों की जी माँ के दूध के नाल नाल उन्होंने चंगा आहार देना चाहिए सो दैट जो साढ़े बच्चे ने वो सेहतमंद पैदा हो सेहतमंद उन्हों की जी है चंकी उन्हों की वाधा होए ग्रोथ होए तो जोड़े चंगे जोड़े भविख का है चंगे देश का जोड़ा है वह निर्माण करने के अपना योगदान संजीव शर्मा असी अपने विभाग के रही बाल विकास मंत्रालय पंजाब के रही पोषण माह मना रहे थे जो पिछले 30 दिन तो चल रहा है 1 सितंबर तो लैके 30 सितंबर तक ये वख-वख गतिविधियां कीतियां गई ने असी इस ब्लॉक से कुछ 3,981 गतिविधियां कीतियां ने जिस विच असी कुछ 91,000 बेनीफिशरीज नूं अपनी विभाग की स्कीमां बारे जिन्हां विच गर्भवती औरतां दूध पिलाऊ मावां बच्चों नूं बजुर्गों नूं उन्हां दा पोषण पद्धर उच्चा चुकन लई और उन्हां दे साफ सफाई का ध्यान रखने लई अनीमिया की रोकथाम लई डायरिया प्रबंधन लई और जिहड़े बच्चे दे पहले प्रमुख 1,000 दिन होंदे ने उन्हां नूं ध्यान च रखदे हुए जिहड़े साडे पोषण दे टीचे ने कि असी नाटेपन नूं दूर करना है महिलावां च और बच्चियां च अनीमिया की रोकथाम करनी है और लो बर्थ वेट नूं कंट्रोल करना है इन्हां नूं मद्देनज़र रखते हुए ये सारी गतिविधियां कीतियां ने तां कि असी इस ब्लॉक च पूरे समाज च पोषण पद्धर का उच्चा चुक सकीए और कुपोषण मुक्त समाज नूं सृजन कर सकीए। प्रिंसीपल श्री राम सिंह पठानिया ग्राउंड यूनिवर्सिटी कैंपस मनाड़ी मेरे लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य भरी दिन आज कि मेरे कॉलेज दे विच विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट विमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट विभाग ने जो 1 सितंबर तो 30 सितंबर तक जिहड़ा कार्यक्रम शुरू किया सी उहदा अज कंक्लूडिंग डे सी और मेरे वास्ते खुशकिस्मती गल है कि यह जिहड़ा मेरे कॉलेज कैंपस दे विच मैनू ऑर्गनाइज जिहड़ा करवाउण दा जिहड़ा मौका मिलिया। मैं जो इस पूरे प्रोग्राम दे विच चीज़ नोट की वो जी मैं बहुत ही चंगी लगी कि इन्होंने इस अज के फंक्शन के एक महीने की जी गतिविधियां वो सारिया जीडिया वो उन्होंने हाईलाइट किया और दसिया कि असी की जरा किया और नाल आले दुआले के पिंड के कुछ जोड़े बहुत ही जाने माने व्यक्ति से सरपंच वगैरह उन्होंने भी बुलाया होया और उन्होंने एक संदेश दिता गया कि तुसी जड़ा ना वो विमेन और चिल्ड्रन्स दा दी सेहत दा किस तरह ध्यान रखना अज दा जड़ा यह फंक्शन सी ये बहुत इंफॉर्मेटिव सी मेरे कुछ बच्चों ने मेरे जो स्टूडेंट्स खास करके लड़कियां ने जड़ा वो बहुत ध्यानपूर्वक जड़ा इन्हू वॉच किया और सुनिया भी और देखिया मैं कि जिन्नी भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कीतियां सी उहदे विच असी समाज सुधारक गतिविधियां केड़ियां करनियां सानू करनियां चाहीदियां वो सारिया जिन्नियां भी एक्टिविटी सी उहनां दे विच उही संदेश जिहड़ा दित्ता गया सी। मैं अपने आप नूं खुशकिस्मत मैं धन्नवाद करदा सी अपने DPO साहब और मैं श्री संजीव कुमार जी CDPO साहब जिन्होंने मैनूं यह जी गतिविधि इन ऑर्गेनाइज करने वास्ते मेरे कैंपस दे विच मन मौका दिता। ग्राम सभा गदरपुरा से ग्राम प्रधान पद पत्नी मोहम्मद शफीक ने ठोकी दावेदारी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ग्राम वासियों का मिल रहा है भरपूर समर्थन और कहा आने वाली 5 तारीख को चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड पर मोहर लगाकर विजय बनाने के लिए अपील की और कहा कि अपने मत का उपयोग सही तरह से करें, किसी के बहकावे में न आए। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट।
मैं अपने ग्राम वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को मेरी पत्नी श्री सुरखाब सिद्दीकी को के कैरम बोर्ड के निशान पर मोहल्ला आकर विजय बनाएं, अपना कीमती बोर्ड देकर, अमूल्य बोर्ड देकर विजय बनाएं और जो काम है, काम कार्य कराए जाएंगे, विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और जो पहले से काम रुके हुए हैं उन लोगों के काम कराए जाएंगे और जो 5 वर्ष के लिए कोई काम नहीं कराया गया प्रधान द्वारा कुछ भी जो है कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गई है, जैसे रोडों की सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, ऐसे मुद्दे कई हैं जो काम निकारे नहीं हुए हैं, ऐसे उन कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। और जो 5 साल पहले मेरे पिताजी श्री अब्दुल खालिक जी प्रधान थे उनके कार्यकाल में ही कार्य हुए और उसके बाद जो है कोई भी काम, सड़क, पानी, नहर आदि का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि लोग और उम्मीदवारों के बहकावे में ना आए और अपना वोट सोच समझ कर मतदान करें। आगामी 5 तारीख को सुरखाब सिद्दीकी चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड पर मोहल्ला आकर विजय मनाएं। मैं अपने ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं किसी के कोई बहकावे में ना आए, लोग तरह तरह से बहका रहे हैं और लोगों को लालच दिया जा रहा है, तो मैं मानना चाहता हूं कि मेरा मानना यह है कि जनता जो है बिल्कुल बहकावे में इसलिए नहीं आए क्योंकि कुछ लोग लालच दे कर उनके वोट ले लेते हैं और काम उनके नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति को चुनना ज़रूरी है जो आपके विकास कार्य करे, आपसे जुड़ा रहे, आपके कामों को जो है प्राथमिकता से पूरा करे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी स्तरों पर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। जहां एक और मतदाताओं में उत्साह है तो वहीं अधिकारी भी पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर हैं। इस पर बोलते हुए गदरपुर के रिटर्निंग ऑफिसर विजय सिंह ने बताया कि गदरपुर में कुल 97,743 मतदाता है जिसमें महिला वोटर की संख्या 47,419 और वोटरों की संख्या 50,324 है। साथ ही 13 सितंबर को किए गए आवेदनों के बाद 108 मतदाता और जोड़े गए हैं। गजब कुरुक्षेत्र को 16 सेक्टर में बांटा गया है जिन पर जो 2 जोनल मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे क्योंकि क्षेत्र में हो रही चुनाव संबंधित गड़बड़ियों को रोकने के लिए तैनात किए गए हैं तथा भूतों का निरीक्षण इत्यादि जोनल मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था की स्थिति में संभालने के लिए कार्य करेंगे। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। मतदाताओं की जो संख्या है वो 97,743 की है और इसमें स्त्री की संख्या जो है 47,419 है और पुरुष की 50,324 है और कुछ जो है परिवर्तन, कुछ बढ़े हुए मतदाता हैं जिनकी संख्या 108 है। तो इस प्रकार ये लिस्ट जो है निर्वाचक नामावली बन के जो है वो किसी अधिकारियों को प्रोवाइड कराएंगे। सर, ये लाइन ऑर्डर्स के लिए जो पूरे हमारे ब्लॉक का एक ढांचा तैयार हुआ है उसमें 16 सेक्टर्स बनाए गए हैं और 2 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर काम करेंगे, इस तरह जो है हम शांति व्यवस्था का कार्य ब्लॉक का संपन्न कराएंगे। नहीं, इस प्रकार की शिकायतें आ सकती हैं लेकिन इस प्रकार की जो भी शिकायत है ऊपर से कोई ऐसी जो है अनुमति नहीं है, ये वैधानिक दृष्टि गलत है, लेकिन जो यदि इस प्रकार की कोई प्रकाश में मैटर आएंगे, कोई धार्मिक लगाने का काम करेंगे या कोई पार्टी सिंबल्स का झंडा या कोई इस तरह का कोई हमको लिखित कोई अनुमति नहीं है क्योंकि आचार संहिता के दायरे में उनके खिलाफ यदि कोई आता है तो कार्रवाई उनके खिलाफ करवाई। राष्ट्रीय ध्वज तो वैधानिक नहीं है और यदि कोई ऐसा आएगा प्रकाश ग्राम पंचायत बिंदु खेड़ा से चुनाव लड़ रहे कावल सिंह सोनू से फास्ट न्यूज इंडिया संवाददाता महेंद्र पाल से हुई वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं प्रधान पद से जीता तो मैं ग्राम वासियों से वादा करता हूं कि जो भी काम रुके हैं मैं सबसे पहले उन्हें पूरा करवाऊंगा। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता महेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया जो उत्तराखंड के पंचायती चुनाव के बीच में उतरी है और यहाँ पे ग्राम प्रधान पद से जो चुनाव लड़ रहे हैं, यार उनसे पूछते हैं कि उनका नाम क्या, आपका नाम क्या है? सर, मेरा शुभ नाम काहुल सिंह सोनू। आप किस पद से यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर, मैं प्रधान प्रत्याशी हूँ। अच्छा, ग्राम प्रत्याशी है। जी जी। अगर आप यहाँ पर जीतते हैं, आपके साथ इतनी जनता है, तो उसके बाद आप जनता को क्या सौगात देंगे?
सर जनता की जो उम्मीदें हैं जो मेरे से जुड़ी हुई हैं वो जनता की उम्मीदों में खरा उतरूंगा। जो भी योजनाएं आएंगी सरकार की, प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छ भारत के तहत जो मिशन चल रहा है, मैं उस चीज को, हर चीज को लेके अपनी जनता के लिए साथ में लेके जो जो चीजें रहेंगे उनको अवगत करवाऊंगा। और जो अच्छा, इसके साथ में अभी गांव फौजी मठपोटा भी जुड़ा हुआ है जी, और आप यहां पे ग्राम प्रधान बनते हैं, आप बिंदुखेड़ा ग्राम क्षेत्र से जुड़ रहे हैं फौजी मठपोटा, तो क्या बात है, आप उन गांव के साथ कहीं सौतेला व्यवहार तो नहीं करेंगे अगर आप प्रधान बनते हैं तो? सर सौतेला व्यवहार तो किसी के बस की बात है नहीं, ना मैं करूंगा और नहीं को, किसी और को भी नहीं करने देंगे। और बात ऐसी है, ये तो मेरा परिवार है, ये तो मेरे से जुड़े हुए सब लोग, वो मेरा परिवार पहले है, ये तो मेरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरा परिवार है मेरा गांव का, वो मेरे को अच्छे तरीके से नहीं जानते, पहले समझो जो भी कुछ भी होगा उनके उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। बहुत सारे ग्राम प्रधानों हम लोग बहुत सारी जगह पे जाते हैं और बहुत सारे गलत लोग हैं अपनी पेंशन के लिए बहुत परेशान होते हैं, और प्रधान बनने के बाद कई प्रधान लोग उनके फोन नहीं उठाते हैं, बहुत सारी ऐसी शिकायतें होती हैं, क्या आप भी ऐसा करेंगे क्या? सर पहली बात तो ऐसी है कि मेरे पास फोन कई सारे आते हैं, मैं एक मिनट का दो सेकंड भी नहीं देता हूँ फोन उठाने के लिए, और इस समय मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो अभी भी जैसे चल रहा है वैसे जब तक मेरा जीवन रहेगा वैसे ही चलेगा, फोन भी उठाऊंगा, हर गरीब के साथ हमेशा उसके साथ खड़ा होकर उनके साथ चलता रहूंगा और उनके काम करवाऊंगा, चाहे मुझे अपने सारे काम छोड़ के जाना पड़े, अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़े। ये थे अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ, धन्यवाद।